हेलो फ्रेंड्स, फन विद स्पाइसेस में मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है राजस्थानी चूरमा की रेसिपी। राजस्थानी चूरमा बनाने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी एक चम्मच देसी घी, आधी कटोरी गेहूँ का आटा, एक कटोरी सूजी। सूजी की क्वांटिटी जो है वो आटे से डबल होगी, आधी कटोरी आटा है तो एक कटोरी सूजी। थोड़े से सूखे मेवे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक से आधा कप दूध, तीन से चार चम्मच चीनी। अब हम एक बाउल में आटा डालेंगे, आधी कटोरी आटा जो हमने लिया है, इसमें ऐड करेंगे सूजी, एक कटोरी सूजी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच देसी घी और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसका एक टाइट डो रेडी करना है, आटे की तरह इसको लगा लेना है। आटा लगा के हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर इसको लोइयां बनाएंगे। अब लोइयां बना लेंगे छोटी छोटी, इस तरह से गोल गोल लोई बना लेंगे नींबू के आकार की, और इसको हाथ की हथेली पे रख के चपटा कर लेंगे या आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको चपटा कर लें। इस तरह से सभी जो लोइयां हैं उनको हम इसी तरह से चपटा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम एक पैन में घी लेंगे और इसको गरम करेंगे। जो लोइयां हमने बनाई हैं वो हम इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। जो इसका टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो हमारी लोइयां हैं वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए इनको हमें धीमी आंच पे पकाना है। ये देखिए, ब्राउन करके हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी जो लोइयां हैं उनको फ्राई कर लेंगे। आधा घंटा ठंडा करने के बाद इनको हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। वन बाय वन करके मैंने सारी जो लोइयां हैं वो मिक्सिंग जार में डाल ली हैं। देखिए, सारे मैंने इसमें डाल दिए और साथ में ऐड करेंगे चीनी। मैं 3 से 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैं मेवे डाल रही हूँ, आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। अगर आपको चूरमे का जो टेक्सचर है वो सूखा हुआ पसंद है तो पीसते वक्त आप चीनी मत ऐड करें। जब आप इस चीनी को अलग पीस लें और चूरमे को अलग, बाद में इन दोनों को मिक्स कर लें। और जो लोइयां हैं वो बिल्कुल ठंडी हो जाएं तब उनको पीसना है, अदरवाइज़ हमारा जो चूरमा है उसका टेक्सचर जो है वो गीला रहेगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा चूरमा बनके रेडी हो चुका है, हम इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।